दोस्तों बिग बॉस 15 स्टार्ट हो गया है, मगर दुख की बात यह है कि बिग बॉस कलर टीवी पे नहीं ओटीटी पे टेलीकास्ट हो रहा है। कलर्स टीवी के हाईएस्ट टीआरपी रियलिटी शो बिग बॉस 15 में टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर प्रतीक सहजपाल ने पार्टिसिपेट किया है। प्रतीक को असल पहचान एमटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो एमटीवी लव स्कूल सीजन 3 से मिली। इन्होंने कई सारे बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन भी जीते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट और टेलीविजन के हैंडसम एक्टर प्रतीक सहजपाल की लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं और इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप प्रतीक सहजपाल के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। प्रतीक का रियल नेम प्रतीक सहजपाल है और निक नेम पीएस है। प्रोफेशन से एक एक्टर, मॉडल, फिटनेस ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर है। प्रतीक का जन्म 12 मई 1993 को न्यू दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ और 2021 के हिसाब से 28 ईयर्स के हो चुके हैं। प्रतीक ने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से की। प्रतीक को छोटी सी उम्र में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज्यादा शौक था। वो अपना करियर फिटनेस ट्रेनिंग और न्यूट्रिशनल के तौर पे बनाना चाहते थे। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इन्होंने इमिति स्कूल न्यू दिल्ली से लॉ में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब बात करते हैं प्रतीक सहजपाल के करियर के बारे में। प्रतीक ने अपने करियर की शुरुआत एज अ फिटनेस ट्रेनर की थी। प्रतीक ने टेलीविजन में डेब्यू किया एमटीवी के रियलिटी शो एमटीवी लव स्टोरी सीजन 3 से। प्रतीक ने कई सारे पावर लिफ्टिंग और वेट ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया है और 2015 में बॉडी बिल्डिंग कंटेस्टेंट चेंज इन मी के विजेता भी रह चुके हैं। प्रतीक को हमेशा ही रोडीज बनने का शौक था, इसलिए एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम में ऑडिशन दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली फिटनेस टास्क में फेल हो गए और आगे नहीं बढ़ सके। मगर प्रतीक ने हार नहीं मानी और मॉडलिंग करता रहा। फिर प्रतीक को एमटीवी के एक और शो एमटीवी एस ऑफ स्पेस में कंटेस्टेंट बनने का मौका मिला, जिसके होस्ट विकास गुप्ता थे। और मैं आपको बता दूं, इस शो में दिव्या अग्रवाल और उसके बॉयफ्रेंड वरुण सूद भी थे। प्रतीक ने 2020 में वेब सीरीज बेबाकी में एज अ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे काम किया है और अब 2021 के मिड में प्रतीक ने बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी बिग बॉस 12 में प्रतीक को पार्टिसिपेट करने की ऑफर मिली थी, मगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अपने हर शो की तरह बिग बॉस में भी प्रतीक अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रतीक सहजपाल कैसे लगते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। प्रतीक के फादर न्यू दिल्ली में एज अ प्राइवेट फर्म में एम्प्लॉय थे। इनकी मदर का नाम शैलजा सहजपाल है। प्रतीक की एक सिस्टर भी है जिसका नाम परिणा सहजपाल है, जो कि प्रोफेशन से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की तो टेलीविजन की एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया इनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। अब बात करते हैं प्रतीक के घर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतीक न्यू दिल्ली में एक शानदार घर में रहते हैं, जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें शानदार बेडरूम, आलीशान किचन, एंटरटेनमेंट एरिया, एडवांस जिम शामिल है। वो अपने इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनके घर की कुछ झलक। वहीं बात करें इनकी कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रतीक को लग्जरियस कार रखने का बहुत ज्यादा शौक है। इनके पास एक ऑडी Q7 भी है जिसकी प्राइस 60 लाख रुपीज है और इनके पास BMW 3 सीरीज भी है जिसकी प्राइस 50 लाख रुपीज है। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज बेंज ई क्लास भी है जिसकी प्राइस 65 लाख रुपीज है। अब बात करते हैं प्रतीक सहजपाल की इनकम के बारे में। प्रतीक एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम इनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ है 25 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों ये थी प्रतीक सहजपाल की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप प्रतीक सहजपाल के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो बिग बॉस 15 के कौन से कंटेस्टेंट की लाइफ स्टाइल पे चाहते हैं।